अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो नगेट्स। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जिनमें हमें पोटैटोज़ की नीड होगी, यानी कि आलू और ग्रीन चिली, हरी मिर्चें, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जिसको हम धनिया भी कहते हैं, और उसके बाद हमें कुछ मिंट्स की हम इसको खुशबू के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्रश जो है वो अनियन यूज़ किए हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही क्रश करके रखे हुए हैं, तो ये क्रश अनियन हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके बाद हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है आप अपने रिक्वायरमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज़ योर रिक्वायरमेंट। आप हसबे ज़रूरत भी डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर थोड़ा ऐड करना है। अब आलू की ऊपर वाली लेयर को हम रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ कटर। अब आलू को जो है वो हम दो पीस में जो है वो कट कर लेंगे। जितने भी आलू आपने जो है वो रिमूव किया जिसकी आउटर लेयर, उनको पीसेस में कट कर लें और उसके बाद उसको बॉईल करें। तो जी, हमारे आलू बॉईल हो रहे हैं, पोटैटोज़ बॉईल हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं, स्पैचुला की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये हमारे आलू जो हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसा कि प्याज, हरी मिर्चें और धनिया और पुदीना, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ, ये आप सब इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप जो है वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इनका मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, साथ सारी चीज़ें घुल जाएं इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं कि मैं मिक्स कर रही हूँ उसको, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि कोई भी चीज़ इसके अंदर बाकी ना रह जाए एक जगह पर। तो इसको सारी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसकी हमने जो है वो उसको नगेट्स की शेप देनी है, इस तरह की शेप देनी है कि ये शेप जो है वो नगेट्स की तरह लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको नगेट की शेप दे रही हूँ। तो ये हमारा नगेट जो है वो एक तैयार हो चुका है, जिसको पोटैटो नगेट। अब हम सेकंड को जो है वो सेकंड को शेप देंगे। शेप बिल्कुल इस तरह देनी है कि नगेट की शेप लगे, क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही पोटैटो नगेट्स है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरे वाले पोटैटो को भी जो है वो शेप दे रही हूँ। तो ये हमारे दो नगेट्स तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने सबको शेप दे ली है नगेट्स को। तो ये शेप देख रहे हैं आपकी कितनी अच्छी शेप आई है इन सब की। आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। अब कुछ स्नैक्स लेने हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लेवर। मैंने लेस और चीटोस का यूज़ किया है और उसको क्रश कर लिया है। इसी के साथ हम दो अंडों का यूज़ करेंगे और ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। अंडों के अंदर नमक और चिली फ्लेक्स यानी कि लाल मिर्चें हमने इसके अंदर डालनी है, और आप इसके साथ ही दो टेबलस्पून जो है वो मिल्क ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फ्लेम ऑन कर लें और उसके बाद जो है पैन में हम ऑयल डाल रहे हैं। उसके बाद जो नगेट्स हमने प्रिपेयर किए हुए हैं उनको अंडों के अंदर डिप करना है, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने के बाद हमने उसके ऊपर जो है वो स्नैक्स जो रेडी किए हुए हैं उन स्नैक को उसके ऊपर लगाना है। और जितने भी नगेट्स आप फ्राई करना चाहें आप उन सब के ऊपर ये मिक्सचर लगा लें और उसको एक प्लेट पे रख दें ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा मिक्सचर उसके ऊपर और सही तरीके से ना अप्लाई हो जाए। आप देख रहे हैं कि सब कुछ रेडी हो चुका है। अब इसको हम ऑयल में डिप करते हैं ताकि ये फ्राई हो जाए। अब उसको हम फ्राई करें, जैसा कि आप देख सकते हैं उसको अंटिल इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट आए।
तेज़ फ्लेम पे इसको जो है वो फ्राई नहीं करना। अब हम पोटैटो नगेट्स को जो है वो फ्लिप करेंगे ताकि जो है वो उसकी बैक साइड भी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा कलर जो है वो इनका आना स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह से हमारे नगेट्स जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में सर्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत और क्रिस्पी नगेट्स हमारे रेडी हुए हैं। इसको आप केचप के साथ भी जो है वो सर्व कर सकते हैं, और जिनको मायनीज़ पसंद है वो मायनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो ये टेस्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।